रोज बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्से इस वक्त भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। कई जगह पर हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनको राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। कहीं पर पिछले दो दिनों से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यानी जीवन देने वाला जल बाढ़ के रूप में मुसीबत बन गया है। आखिर कैसे पानी और उससे पैदा हुई परेशानी की इन 10 कहानियों से आप समझिए। हिमाचल में कई दिनों से लगातार बारिश का कहर जारी है। लाहौल स्पीति की मयाड घाटी के उदयपुर इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। घाटी में देखते ही देखते इतना पानी आ गया कि एक लकड़ी का बना हुआ पुल बह गया। जिस वक्त बाढ़ का पानी तेजी से आया उस वक्त पुल के आसपास कई लोग मौजूद थे। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बाढ़ की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। नदियों का पानी सड़कों पर आ जाने से कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर कन्हर नदी में आई बाढ़ से नदी उफान पर है। नदी पर बना डैम भी टूट चुका है। डैम के सहारे नदी पार करते समय एक युवक लहरों में फंस गया। युवक को फंसा देख वहां पर मौजूद लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर युवक को बचाया। ह्यूमन चेन बनाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस वालों ने भी मदद की। ये एक उधर माना गया हुआ था जो कन्हर नदी में बने एनिकट के ऊपर थे, ऊपर वापस आ रहा था। फिर करीब 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि कोई एनिकट में फंस गया है। फिर तत्काल पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और इस प्रयास के बाद उसको बचा लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है बाढ़ से डैम पर बना गेट टूट गया और सिंचाई विभाग उसे ठीक नहीं करा रहा है। राजस्थान के सिरोही में बारिश और बाढ़ से आबू रोड पर बना 32 पुल का कुछ हिस्सा टूट गया और कोई रास्ता ना होने की वजह से लोग इसी टूटे हुए पुल से नदी पार कर रहे हैं। लोग अपने बच्चों को पीठ पर बांधकर पुल पार कर रहे हैं। पुल टूटने से कई गांव से संपर्क टूट गया है। ये पूरा पुल है क्षतिग्रस्त हो चुका है। लोगों का आवागमन पूरी तरीके से कटा हुआ है और ये पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद लोग अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए, शहर में जाने के लिए इस पूरे जोखिम भरे रास्ते का अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शारदा नदी में आई बाढ़ से फसलें डूब गई हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। बाढ़ से बचाव के लिए सीमेंट की बोरियों में बालू भरकर दीवार बनाई गई। पानी की तेज रफ्तार में बालू की बोरियां भी बह गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाढ़ प्रभावित एरिया में बचाव के लिए जो पैसा आया अधिकारियों ने उसमें घोटाला किया है। कटान क्षेत्र में है और कुछ ही दूर से नदी रह गई है 10 मीटर से, और नेता लोग आते हैं देख के चले आते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम लोग कट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे। जम्मू में पुंछ ट्रेड सेंटर और पुंछ शहर को जोड़ने वाला पुल बाढ़ के पानी में बह गया। पुंछ में भारी बारिश के चलते नदियां और नाले उफान पर हैं। बाढ़ के पानी में पुल के बह जाने से पुंछ शहर में जरूरी सामान की कमी हो चुकी है। बारिश के बाद पुंछ में एक कच्चा मकान गिर जाने से 3 लोगों की मौत भी हुई। तो बाढ़ से बर्बादी की ये तस्वीर देश के हर हिस्से में अभी दिख रही है। कई इलाकों में लोग घरों में कैद है और बच्चों के स्कूल बंद है। लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई दूसरे मुल्क भी बाढ़ से परेशान है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा और जाजपुर में ब्राह्मणी नदी में आई बाढ़ से लगभग 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। पिछले कई दिनों से लोग पानी में घिरे हुए हैं। तस्वीरों में देखिए मकान, पेड़ पौधे सब पानी में डूब गए हैं। केंद्रपाड़ा जिले के पटामुंडाई ब्लॉक के 15 पंचायत, आली ब्लॉक की 11 पंचायतें बाढ़ के पानी से घिर गई हैं। हालांकि सोमवार की तुलना में नदी का जल स्तर कम हुआ है, मगर लोगों की दुर्दशा कम नहीं हुई है। ब्राह्मणी नदी में आई बाढ़ के चलते जाजपुर जिला में भी 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्रपाड़ा के इलाके बाढ़ के चलते दूसरे हिस्सों से कट गए हैं। असम के लखीमपुर में बाढ़ और बारिश से पूरा इलाका बर्बाद हो गया है। तेज बारिश में लोगों के घर गिर गए हैं। नदियों का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। असम के लखीमपुर और जोरहट जिले में अब भी 5,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं।
राजस्थान के जालौर में आई बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए सेना लगानी पड़ी। सेना ने बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला। सेना के हेलीकॉप्टर से ली गई ये एरियल तस्वीरें देखिए, पूरा इलाका पानी में डूबा है। आपातकालीन चिकित्सा कैंप लगाकर लोगों की मदद की जा रही है। बाढ़ के चलते सड़क डूब गई है, इसलिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।